हेलो फ्रेंड्स, नीतूस कुकिंग रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला, जो बहुत ही कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार होता है और एकदम चटपटा सा फ्लेवर देता है और रोटी पराठे नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। एक पैन में 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल हीट कर रखा है, उसमें हम क्यूब्स में कटा हुआ अनियन को 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। हल्का सा ही हमें इसे फ्राई करना है। देखिए आप, अनियन जो है हमारा सॉटे हो गया है। आइए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एंड देन सेम ऑयल में हम अपने कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बे लीफ लिया है, 2 कार्डेमम, 2 क्लोव्स और एक रेड ड्राई होल चिली, उसको भी ऐड करके हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। एंड देन 2 बिग साइज का मैंने अनियन चॉप किया हुआ है, इसको इस तरह से देखिए, इसको इस भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो स्लाइस में भी इसे कट कर सकते हैं, बट फाइनली चॉप करने से इसका टेक्सचर जो है ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं अनियन का कलर जो है चेंज हो गया है। इसी स्टेज पर हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 कप मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया है ग्रीन, उसको भी ऐड करेंगे। मैंने इसको एकदम फाइनली चॉप कर रखा है चॉपर में। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें या फिर इसे क्यूब्स में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली 2 ऐड की है और क्यूब्स में रेड बेल पेपर का यूज़ किया है। आप चाहें तो ग्रीन कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। आइए हम मसाले ऐड करते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके हम अच्छी तरह इन सभी मसालों को अनियन के साथ मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें मसाले को जो है अच्छी तरह अनियन से मिक्स कर देना है इस तरह से। आइए इसे लिड से कवर करके हम 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं। 2 मिनट्स हो गए, हम चेक कर लेते हैं। देखिए अनियन जो है मसालों से अच्छी तरह कोट हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है हल्का सा। आइए इसे हम एक अच्छी तरह मिक्स दे देते हैं। एंड देन 1 टेबल स्पून मैंने टोमेटो सॉस का यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं टोमेटो प्यूरी नहीं ऐड कर रही हूँ, तो आप केचप का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। एंड 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पर थिक कर्ड लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक है। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह फ्रेश मलाई या फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। कर्ड ऐड करते ही क्विकली हमें इसे मिक्स दे देना है, और जब हम कर्ड ऐड करेंगे तो हमारा फ्लेम जो है एकदम लो होना चाहिए, ताकि जो कर्ड है हमारी फटे नहीं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स दे देंगे, देख सकते हैं आप, कर्ड से जो है एक रिचनेस आएगा हमारी ग्रेवी में। तो आप इसको स्किप ना करें, इसकी जगह आप मलाई या फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे और इसे हम लिड से कवर करके 2 to 3 मिनट कुक कर लेंगे। देखिए इस तरह से 2 मिनट्स हो गए, आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई है, कर्ड भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, मेल्ट होके आ गया है। आइए इसमें हमने जो अनियन सॉटे किया था वो ऐड करेंगे और पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। इसी स्टेज पर हम पनीर को अपने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है इस तरह से, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह एक मिक्स दे देंगे, बहुत जेंटली आपको मिक्स करना है, पनीर टूटना नहीं चाहिए। देखिए मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद हम इसे लिड से कवर करके 2 मिनट्स स्लो फ्लेम पर और कुक कर लेंगे, ताकि जो हमारी कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए मसालों के साथ। 2 मिनट्स हो गए हैं, देखिए हमारा ऑयल भी सेपरेट होके आ गया है। एक बार अच्छी तरह हम इसे मिक्स दे देंगे और फिर हम इसे बोल में जो है सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग सा मसालेदार चटपटा पनीर बनकर तैयार हुआ है कुछ ही समय में और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आपको जब भी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर खाने का मन करे तो आप इसे घर पर ही फटाफट बनाकर तैयार करें और इसे रोटी और नान के साथ सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
बच्चों को भी पसंद आता है। इस तरह से आप इसको ट्राई करें, बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।